अपने परिवार सहित और पूरे देश से स्वेच्छा से आए हुए लोग और अभी तक की उपलब्ध सभी प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न लोग यदि शिक्षा के मानवीयकरण पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो ये अपने आप में इस बात की पहचान है कि शिक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों ने ले ली है जिन्होंने बच्चे पैदा किए थे। तो शिक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, शिक्षा की जिम्मेदारी समाज की है, समाज के द्वारा है, समाज में है, समाज से है, समाज के लिए है। तो इस बात को इस मंच से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इस मंच का गठन और उसका पूरा स्वरूप खुद में इस बात को प्रस्तुत कर रहा है कि शिक्षा का मानवीयकरण हो रहा है। नहीं तो यदि इस तरह के किसी टॉपिक पर चर्चा हो रही होती तो बहुत पढ़े लिखे और सालों से कंटेंट बनाते हुए लोग, हो सकता है बहुत सारे एससीआरटी और जो हमारा एक स्थापित ढांचा है उस ढांचे से बहुत सारे लोग होते। मित्रों, सबसे पहले इस सुंदर प्रांगण के लिए गांधी विद्या मंदिर और परिवार का, हम सभी आए हुए मित्रगण हार्दिक स्वागत करते हैं कि एक बहुत ही सुंदर वातावरण में, मौसम भी सुखद है, आवास व्यवस्था से लेके भोजन और रात का दूध भी काफ़ी, लोग एक ग्लास तक सीमित नहीं हो रहे हैं और 11:30 बजे तक लौट लौट के दूध पी रहे हैं। तो कई लोग कह रहे थे कि सम्मेलन के लिए तो यही जगह ज़्यादा अनुकूल लग रही है, तो इस पर काफ़ी लोगों की सहमति भी है। हैं जी, नहीं, अपनी तरफ से हमने ये चर्चा में ला लिया है कि बाय डिफॉल्ट जब तक कोई बहुत जोर से नहीं मांगेगा तो सम्मेलन यहीं होता रहे। भाई और बहनों, कभी 10वीं 11वीं में आते आते थोड़ी सी समाज या कुछ चीज़ों के बारे सोचने का कुछ स्थिति बनने लगी तो एक ही ख्याल बार बार आता था कि सभी को शिक्षा उपलब्ध हो जाए तो ये मानव जाति सभी समस्याओं से मुक्त हो जाए। और कभी एक आर्टिकल भी पढ़ने का मौका मिला कि एक विद्यालय खुलता है तो एक जेल बंद होती। इंजीनियरिंग किए, जॉब में आए तो लगभग ये समीक्षा होने लगी कि एक विद्यालय से के खुलने से एक और जेल के खुलने की संभावना बनती है। तो इस पीड़ा के साथ जॉब छोड़ने से लेके और तमाम धार्मिक आध्यात्मिक बहुत सारी जगह में जाने का समझने का मौका मिला, हर जगह एक ही चीज़ तलाशते रहे कि यदि एक निश्चित समय अवधि और निश्चित वस्तु को अध्ययन करने से एक व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, तमाम तरह की जो भी टेक्निकल हमारी स्किल्स हैं उसमें यदि एम्पावर्ड हो सकता है तो क्या समझने से एक मानव मानव हो सकता है, उसके लिए क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 5th में क्या दें, 10th में क्या दें, कॉलेज में क्या दें। ओशो, जय कृष्णमूर्ति और तमाम कोठारी, बहुत सारे शिक्षाविद और तमाम महापुरुषों ने जो भी कुछ कहा और जो भी कुछ लिखा उससे ये तो काफ़ी स्पष्टता बढ़ने लगी कि वर्तमान शिक्षा में तमाम तरह की कमियां हैं, लेकिन उनको पूरा कैसे किया जाए इस दिशा में एक इशारा जरूर मिलता रहा लेकिन ठोस कोई उसका स्वरूप और उसको हम बुक्स में ला सकें तो यही होता रहा कि बोर्ड CBSE होगा, ICSE होगा, छत्तीसगढ़ होगा या स्टेट बोर्ड होगा या इंटरनेशनल बोर्ड होगा। कुछ कुछ लोगों ने उसके साथ कुछ प्रार्थनाएं, कुछ और चीज़ें जोड़ने का प्रयास किया जिसके माध्यम से, है ना, कुछ अच्छे लोगों ने विद्यालयों का संचालन किया, उनके अपने व्यक्तित्व और जो कुछ उन्होंने एक वातावरण बनाया, जैसे यहाँ भी एक वातावरण बना हुआ दिखता है,
उसके माध्यम से कुछ प्रभाव तो पड़ा, लेकिन अंततः एक व्यक्ति किसी कॉलेज से निकलने के बाद किसी समाज में जॉब करता है या कोई अपने रोजगार के अवसर तलाश करता है, वो किसी समाज में है, उस पर अभी की यदि सारी परिस्थितियों को देखें तो कुछ भी लोकल नहीं बचा है। राजनीति अंतर्राष्ट्रीय है, कपड़े अंतर्राष्ट्रीय है, भाषा अंतर्राष्ट्रीय है, हमारे सब कुछ लगभग उस पर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यदि व्यवस्था से लेके, व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके, व्यवस्था से लेके सब कुछ एक होने की आवश्यकता, तो ये है कि शिक्षा यदि जमाने में कोई भी समस्या है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे वो समाज में है, या वो परिवार में है, या व्यक्ति के साथ है, कि शिक्षा उसको सही दिशा दे। लेकिन समय के साथ हुआ ये है कि वर्तमान राजनीति ने शिक्षक संगठनों का भी राजनीति के लिए दुरुपयोग किया है। तो शिक्षक राजनीति को दिशा दे पाएँ इसकी बजाय राजनीतिक संगठनों ने शिक्षक संघों का और पूरे शिक्षा के धरातल का दुरुपयोग राजनीति के, प्रचलित राजनीति के अर्थ में किया। इन तमाम चीज़ों को देखने से ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ निकल के आ गया कि हाँ, पीड़ा है, जो भी अच्छाइयाँ हैं उनका सम्मान करते हुए, लेकिन जो अधूरापन है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पिछले 40 साल की यात्रा में यदि हम देखें तो हमारे तमाम ढांचों के प्रति आने वाली पीढ़ियों का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है या घटता हुआ दिखाई देता है। इस बात से इस तरह का आकलन होता है कि आखिर इतने सारे प्रयास सरकार से लेके, समाज से लेके, संस्थाओं से लेके, धार्मिक से लेके, सारे तमाम प्रयासों के बावजूद यदि एक सालों साल की एक यात्रा को देखें तो हमारा विश्वास, हमारे वर्तमान राजनीतिक ढांचा, हमारे न्याय का ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य और तमाम ढांचों से घटता हुआ दिखाई देता है। और परिवारों की स्थिति के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब के साथ अब ये ध्वनि काफ़ी ज़ोर से उठने लगी और पिछले कुछ सालों में जो स्थितियाँ बनी हैं, तो मैं संक्षेप में आज का जो हमारा मूल सत्र है, मूल सत्र में मुख्य रूप से इस सत्र में मानव समाज और शिक्षा का महत्व को लेके इस सत्र में हम लोग बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे भाई बहन साथ में उपलब्ध हैं। मैं कुछ संदर्भ से बात को शुरू कर देता हूँ, उस बात को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जब भी मानव इस धरती पर है वो 24/7 अपने किसी विचार और भाव के साथ है। उसका विचार और भाव या तो किसी मान्यता से प्रेरित होता है या वो किसी समझ से प्रेरित होता है। वर्तमान जीवन शैली को देखते हुए बहुतायत में हमको ये निष्कर्ष आता है कि हम मान्यताओं से प्रेरित हैं। तो बिना जाने मानते हुए हमारे पास बहुत सारा विचार और भाव है। तो जब बिना जाने मानते हुए बहुत सारा विचार पर मैं जो मानता हूँ उसको मैं सही मानता हूँ और दूसरे से मनवाने की कोशिश करता हूँ और दूसरा भी ऐसा ही करता है, तो एक व्यक्ति स्वयं के साथ भी अपने मान्यताओं से निश्रित जो विचार और भाव उसके पास है उसको सही मानने या उसमें कोई अंतर्विरोध होता है और दूसरे के साथ ऐसा हमारा परस्परता निपटता है। मूल रूप में कहें तो मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होने के क्रम में जो बाधा है वो भय है। भय को पहले से भी और दर्शन की रोशनी में भी चार भय के रूप में पहचाना गया है, प्राण भय, धन भय, मान भय और पद भय। इन भय से मुक्ति का रास्ता एक तरफ प्रलोभन के रूप में पहचाना गया, दूसरी तरफ उसके और विस्तार में गए और उसको विस्तारित किया तो किसी आस्था के रूप में पहचाना गया। भय मानव को स्वीकार नहीं है। भय से मुक्त होने के जो भी रास्ते दिखाई दिए, कभी उनको किसी प्रलोभन के रूप में, कभी उसको किसी आस्था के रूप में पहचाना गया। यदि हम अपने तमाम ढांचों को देखें, फैलाव को देखें, तो हम सभी मानव हैं। हम सभी अपने भीतर भी कभी अपने आप को भय से मना लेते हैं, कभी किसी प्रलोभन से मना लेते हैं, कभी किसी आस्था से मना लेते हैं। इस प्रकार उसमें जो भी कन्फ्लिक्ट रहता है
या तो वो कभी पकड़ में आता है, यदि नहीं भी पकड़ में उसकी वजह से जो दुख भोगते हैं उसको किसी प्रारब्ध के नाम से, किसी किस्मत के नाम से, भाग्य के नाम से भोगते हुए यात्रा आगे बढ़ती रहती है। जब दूसरे मानव के साथ जीने की बात आती है तो टूल्स हमारे पास यही हैं कि दूसरे को भी कैसे भय, प्रलोभन, आस्था के आधार पर अपने साथ लिया जाए। यदि परिवार को देखें तो परिवार में भी हम परस्परता में जैसा जी रहे हैं उसमें एक दूसरे के साथ भय, प्रलोभन, आस्था के आधार पर, मैं ये मानते हुए कि हमारा जो भी मित्रगण यहाँ बैठे हैं सभी मूल बातों से परिचित हैं, केवल संदर्भ को जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैं किसी बात के बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो हम परिवार में भी मूल रूप में इतनी ही कोशिश कर रहे हैं कि भय, प्रलोभन, आस्था से कैसे एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बन जाए, या दूसरे को अपनी बात, इसको मैं सही मानता हूँ, उसको दूसरे से मनवा लूँ। समाज की ओर जाएं तो ये भी समझ में आता है कि परिवारों का फैलाव ही पूरी धरती पे हमको एक समाज के रूप में दिखाई देता है। तो जो टूल्स हमारे पास परिवार में हैं वही टूल्स हमारे पास समाज में हैं, तो भय, प्रलोभन, आस्था ही समाज में परस्पर एक दूसरे को मानने और मनाने के क्रम में और उसमें जो भी स्थितियाँ बनी हुई हैं युद्ध और संघर्ष के रूप में, वो हमारे सामने हैं। अब यदि उन ढांचों की तरफ जाएं जो हमने समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए बनाए, तो मुख्य रूप से यदि राज्य की संकल्पना की बात करें और उसमें शासन, उसका टूल शासन के आधार पर वो चलता है, उसको भी देखें तो भय आधारित एक ढांचा बना हुआ है। यदि न्याय को देखें वो अपने आप में दंड संहिता है ही, भय आधारित एक ढांचा है। व्यापार को देखें तो प्रलोभन आधारित, जब मैं आधारित कह रहा हूँ तो बाकी दोनों चीज़ें उसमें है ही, लेकिन मूल चीज़ कहाँ पे है, तो व्यापार की बात करें तो वो प्रलोभन आधारित है, धर्म की बात करें तो आस्था आधारित है, शिक्षा की बात करेंगे तो हम लोग बचपन में ना आस्था आधारित थी थोड़ी बहुत, आप में से भी बहुत सारे लोगों को याद होगा बचपन में वो हम एक किताब के बीच में एक वो विद्या का पेड़ रखा करते थे, विद्या बोलते थे उसको, टेक्निकली क्या नाम है पता नहीं। तो इसका मतलब है कि कोई आस्था हमारी थी, लाइक मोर का पंख, हाँ मोर का पंख भी रखते थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि मोर भी ख़त्म हो गया, वो पेड़ भी ख़त्म हो गया और समय के साथ साथ अब वो आस्था भी नहीं बची है, क्योंकि कम से कम लोगों का जो भ्रम था वो टूटा है कि ये तो बहुत साफ हो गया कि शिक्षा से उपलब्धि के रूप में सुविधा है, कोई जॉब है। अभी के बच्चों को हम पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बोल देते हैं टेंशन मत लो, मार्क्स आ जाएंगे। और ज़्यादा जोर दिया वो ये भी बता देंगे पढ़ने से ही पैसा आता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, आजकल आइडिया चाहिए। तो ये क्लैरिटी में आ गया कि शिक्षा भी हमारा प्रलोभन प्रधान है, ये बात पकड़ में आ गई। तो शिक्षा प्रलोभन प्रधान है, व्यापार की बात हुई, आस्था की बात हुई, राज्य की बात हुई, न्याय की बात हुई, लगभग इतने ही ढांचे हमारे पास हैं। तो मित्रों एक बात ये समझ में आ गया कि वर्तमान पूरी जीवन शैली में अब यदि हम एक व्यक्ति को देखें तो एक व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है, जहाँ तक भय, प्रलोभन, आस्था को उपयोग करके स्वयं को नियंत्रित करे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हालत कैसी है या समाज में कैसी स्थितियां दिखाई देती हैं वो हम सबके सामने हैं। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता के रूप में देखें तो एक आदमी की यात्रा देखें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो सारी स्थितियां हैं वो हमारे सामने हैं। इसका मतलब है कि जब मैं भय, प्रलोभन, आस्था को अपने परिवार और मित्रों के साथ में प्रयोग करता हूँ तो जितना मैं स्वयं के साथ प्रयोग करता हूँ और जो फल आता है, जब मैं दूसरों के साथ प्रयोग करूँगा तो फल जितना मेरे साथ आता है उससे कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? नेचुरल है उससे कम आएगा। तो एक व्यक्ति जब अपने में भय, प्रलोभन, आस्था से स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है उसके बाद जो स्थितियाँ हैं वो हमारे सामने हैं। एक परिवार के रूप में जब हम इन्हीं टूल्स को प्रयोग करते हैं तो वो स्थितियाँ भी हमारे सामने हैं। और बहुत संभव बात है कि जब पूरे समाज में भी हम उन्हीं को प्रयोग कर रहे हैं तो भी स्थितियाँ हमारे सामने हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की स्थिति से परिवार की स्थिति और कमज़ोर,
परिवार की स्थिति से समाज की स्थिति और कमज़ोर, और जब हम ढांचों की ओर जाते हैं, जब राज्य की बात करेंगे तो केवल वो दंड भय प्रधान है, तो तीन में से एक ही बचा। व्यापार की बात करेंगे तो प्रलोभन प्रधान है, तीन में से एक ही बचा। शिक्षा की बात करेंगे तो तीन में से एक ही है और कमज़ोर हुआ। इस प्रकार ये तमाम ढांचे और कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये और कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं। इससे एक बात तो निकल के आई कि मूल चीज पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, धरती पे मानव का होना, मानव का परिवार के समूह में होना, परिवारों का समूह का किसी समाज के स्वरूप में होना, समाज ठीक से चले इसके लिए शिक्षा का होना, समाज ठीक से चले इसके लिए शासन से हमने अपेक्षा की है ना, समाज ठीक से चले इसके लिए जो भी उसकी आवश्यकताएं थी उसको व्यापार से किसी तरह से पूरा करने की कोशिश की, समाज स्वस्थ रहे इसके लिए कोई स्वास्थ्य को लेके कोई व्यवस्था हमने खड़ी की। तो ये बात भी हमको बहुत साफ है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं वो समाज के स्वस्थ रहने के अर्थ में है, सरकार समाज के लिए है या समाज सरकार के लिए है। तो बहुत साफ है कि सरकार समाज के लिए है, शिक्षा समाज के लिए है, स्वस्थ रहने का तंत्र समाज के लिए है, शासन समाज के लिए है, सब कुछ समाज के लिए है, और समाज के लोगों के द्वारा चिन्हित लोगों को ही हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। इसमें जो एक सोचनीय बात मेरे ध्यान में आई उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मित्र उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई व्यक्ति है तो उसने अपनी ज़िंदगी को ओन किया है, उसके ज़िंदगी में घटने वाली तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी मानता है और उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो एक आदमी की ज़िंदगी का मालिक वो स्वयं है, बाकी जो भी उसकी आस्थाओं के साथ उसने अपने आप को जोड़ा है। एक परिवार की बात करें तो उसको भी कुछ लोगों ने ओन किया है, और उसमें जो भी आने वाले सुख दुख हैं उसकी जिम्मेदारी को है ना, परिवार में जो भी कुछ होना है उसकी सारी जिम्मेदारियों को कुछ लोगों ने ओन किया है या किसी एक व्यक्ति ने ओन किया है जिसको हम परिवार के कभी मुखिया के रूप में पहचानते रहे या पहचानना चाहते हैं। यदि एक व्यावसायिक केंद्र की बात करें, एक व्यापार की बात करें, तो उसको भी किसी ने ओन किया है, उसके लाभ हानि के लेके रात दिन उसके बारे में उसको आगे बढ़ाने की चिंता या उसकी योजना के साथ कोई एक व्यक्ति या एक समूह है। यदि हम किसी राज्य की बात करें तो कोई पीएम, कोई सीएम, कोई एक व्यवस्था, कोई एक तंत्र पूरा का पूरा उसको ओन करता है और जो भी अपनी मानसिकता के साथ करे लेकिन उसने उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ ओन किया है। जिम्मेदारी का मतलब है कि जैसा वो मानता है। न्याय की बात करें तो कोई न्यायाधीश हैं, कोई उसका तंत्र है ना, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वहाँ भी कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। शिक्षा की बात करें तो वहाँ भी कोई मंत्रालय है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है जिन्होंने उसको ओन किया है। तो यदि समाज के अलावा बाकी सारे जो भी एक फैलाव है वो हमको दिखाई देता है, तो वहाँ हर तंत्र में जिम्मेदारी को ओन किए हुए कुछ लोग विधिवत बैठे हैं और विधिवत एक तंत्र बना हुआ है, उसका परफॉर्मेंस जो भी सही। लेकिन अब यदि समाज की तरफ आएं तो ये समाज का वारिस कौन? परिवार का वारिस है, व्यावसायिक केंद्र का वारिस है, किसी शैक्षणिक प्रतिष्ठान का कोई वारिस है, किसी राज्य तंत्र का कोई वारिस है, किसी न्याय तंत्र का कोई वारिस है। लेकिन जब हम जो कि सब कुछ समाज के लिए है, लेकिन यदि सही अर्थों में देखें तो समाज का वारिस कौन? जितनी मेहनत से हम अपने परिवार के सुख दुख और उसके तमाम सुविधाओं के लिए और उसके सम्मान के लिए अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, कोई राजनीतिक पार्टी किसी अपने शासन के अर्थ में अपना तन मन धन जिस रूप में भी लगाए हुए है, समाज के लिए कौन सा ऐसा वर्ग दिखाई देता है जो उसको किसी ने नैतिक रूप में उसको स्वीकार लिया है, ये अलग बात है ना, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो समाज का वारिस कौन? क्या लगता है? ये प्रश्न अपने आप में सोचनीय है। जिसका यदि जिसका कोई वारिस नहीं है तो उसकी स्थिति कैसी होगी?
यदि जिसका कोई वारिस नहीं है तो दिनों दिन आने वाली स्थिति उसकी बेहतर होगी या उसकी स्थिति और बदतर होती जाएगी। परिवार के रूप में हम सब ने एक जिम्मेदारी स्वीकार ली है कि अपने परिवार में सुविधाओं को देना है, उसके लिए चाहे रासायनिक खेती करनी पड़े, उसके लिए चाहे कहीं शोषण करना पड़े, चाहे कहीं व्यवसाय के रूप में कुछ और करना पड़े। तो देखा जाए तो वो तालाब की कहानी हमने सुनी थी, एक तालाब में सबको दूध डालना था, तो किसी एक को लगा कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा, सब तो दूध ही डाल के जाएंगे तो मेरा एक लोटा उसमें छुप जाएगा। और सुबह उठ के सब ने देखा था उसमें पानी ही था, उसमें दूध नहीं था। तो इस समाज रूपी तालाब में शायद हम सब ने मिल के पानी डाला है तो दूध कहाँ से हो। अपने बच्चों के लिए जिस सुरक्षित वातावरण की हम बात कर रहे हैं, मैं तीन एग्जाम्पल दे के, संयोग से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में काम करने का मौका मिला, हम लोग दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली को ज़्यादा नज़दीक से देखने का मौका मिला। तीन एग्जाम्पल कह के मैं बात को आगे बढ़ा देता हूँ। एक माँ कहती है कि मैं अपनी तीन साल की बच्ची को, मेरी तीन साल की बच्ची जब बाहर खेलती है तो मैं उसको असुरक्षित पाती हूँ, जब तक वो खेलती है तब तक मैं उसके पास रहती हूँ, कहीं उसके साथ कुछ गलत मत हो जाए। अभी कुछ लोग दिल्ली से अमरकंटक आए थे, वो इस बात से ही खुश थे कि रिक्शे वाला भी ठीक से बात करता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, वो घुमा के कहीं और से नहीं लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बहन जो ट्रांस जमुना में रहती है और गुड़गांवों की किसी कंपनी में काम करती है, उसकी कैब उसको लेके जाती है और दो घंटा उसके पास है, जबकि रात को 10 बजे पहुँचना, सुबह 8 बजे या 7 बजे फिर घर से निकल जाना, कम से कम जाते आते तो वो 4 घंटे सोने का समय उसके पास है, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी आँख नहीं झपकती है क्योंकि उसको लगता है कि ये कैब वाला कहीं और न ले जाए। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे लिए शोचनीय रहा, दिल्ली में एक पति पत्नी शिक्षक जो अलग हो गए हैं, पत्नी अपनी बेटी के साथ रहती है, उसने कहा कि मैं घर देर से पहुंचती हूं, मेरी बेटी थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है, मेरे पति के साथ जो भी झंझट थे अब हम अलग रह के उन सारे झंझट से मुझको मुक्ति मिल गई है, आर्थिक रूप से मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं बहुत सुकून में हूं, मुझको बहुत ठीक लग रहा है, कोई दुख नहीं है। लेकिन बस दुख एक ही बात का है कि कभी मैं घर पहुंचूं और मुझको पता चले कि मेरी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। वो शब्द जो अखबारों के शब्द थे वो एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रयोग कर सकती है, और इतने सहज भाव में प्रयोग कर सकती है कि जैसे वो कोई रोज घटने वाली घटना है। इन चीज़ों को सुनने से पता चलता है कि हम कहाँ किस तरफ चले गए हैं और किस तरफ जा रहे हैं। तो मित्रों, जब इन सारी स्थितियों को देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में ये स्थितियाँ और बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, ऐसा विचारने से भी ये सब है ना, उसका प्रोजेक्शन किधर जा रहा है वो भी हमारे को स्वीकार होता है। तो अब इस बात की बहुत आवश्यकता बनने लगी है कि वाकई में सही अर्थों में एक आचरण की आवश्यकता है। तो इस आचरण, शिक्षा का स्वरूप सही अर्थों में मानव के लिए कैसा हो,